कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ रहने वाला का। अच्छा एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, आप लोग तो यहाँ पर रह रहे हो, आप लोगों के जो व्हीकल वगैरह होते हैं वो कहाँ पर रखते हो आप लोग? मतलब बहुत ज्यादा पानी है, लोगों के पैर अंदर डूब रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे आपको दोस्तों गलियों में ही खेलते हुए दिखाई देंगे, मैदान तो बेचारे ये अब कहाँ से लेकर आए। इस साइड चलते हैं, कहाँ निकलती है गली देखते हैं। एक तरह की दोस्तों पूरी तरह से भूल भुलैया है ये। मतलब आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो? 30-32 साल हो गए। अच्छा क्या करते हैं आपके बच्चे वगैरह? अच्छा वॉचमैन है। अच्छा अच्छा मतलब आप 30-32 साल से यहाँ पर धारावी में रह रहे हैं, मतलब आपकी आंखों के सामने ये धारावी इतनी विकसित हुई होगी लगभग लगभग। आप रह रहे हो उस टाइम से तो लगभग बहुत कम घर होंगे यहाँ पर। अच्छा मेरे को थोड़ी मराठी नहीं आती है। ऊपर कौला का घर होता छोटा छोटा, लाल कौला नहीं रहता। हाँ हाँ खपरी। अच्छा बाद में पत्र यहीं पर कपड़े सूखे हुए हैं दोस्तों, आधे से ज्यादा तो मेरे कंधे के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये गली आगे कितना तक जाएगा? वहां पर एंड है, बाहर निकलेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। अभी यहाँ तो सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, लोगों के कपड़े कैसे सूखते हैं? हवा लगा। अच्छा पंखे की हवा लगाते हैं, उसमें भी बिजली का बिल ज्यादा आता होगा फिर। मतलब कुल मिला के सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, और दुकानें भी बहुत कम है यहाँ पर तो। चलिए ठीक है चाची जी, तो चलते हैं दोस्तों आगे और अंदर की साइड विजिट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मैं यहाँ पर गुम ना हो जाऊं, मेरे को तो ये डर है। छोटे छोटे बच्चे आपको दोस्तों गलियों में ही खेलते हुए दिखाई देंगे, मैदान तो बेचारे ये अब कहाँ से लेकर आए। इसी गली में रहना, इसी में लोग चलते और इसी में ये अपना खेल के टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत, आराम से। बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं दोस्तों, मेरे पीछे बैग लटका हुआ है, कहीं कहीं पे फंस जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी गली है और इसमें ऊपर चढ़ने के लिए किस तरह से सीढ़ियां बनाई हुई है, मेरे को तो देख के भी डर लग रहा है, यहाँ पे चढ़ते कैसे होंगे लोग। अच्छा रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं, ऐसे तो चढ़ा भी नहीं जाए, चढ़ तो गए क्या पता जाए, पर वापस उतरते हुए डर नहीं लगता? वापस यही पकड़ के आएंगे, वापस यही पकड़ के आते हैं। जगह शॉर्टेज होने के कारण अभी फैमिली ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसको आधी फैमिली यहाँ नहीं रख सकते, इतना पैसा है नहीं किसी के पास। हाँ हाँ कि जो है कि दो दो तीन तीन घर लेके रखे हैं। तो छोटे बहुत छोटे छोटे घर है यहाँ पर। जी जी जी। इस साइड चलते हैं, कहाँ निकलती है गली देखते हैं। एक तरह की दोस्तों पूरी तरह से भूल भुलैया है, गुम हो जाए अंदर ही। छोटी गुड़िया बाहर निकलेगा ये? हाँ ये वापस एक बार फिर पाइपों का सिलसिला आ गया। गंदगी दिखेगी आपको हर जगह, पैर फिसल रहे हैं पाइप से। ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है।
कैसे हो सर? मतलब बहुत गंदगी है, आगे तो जाएं कैसे अब? अब आप लोग न्यूज वाले हैं, आप लोग समझिए, अभी हम लोग तो बहुत कंप्लेन करके तो थक गए। अच्छा, मतलब बहुत समस्याएं हैं क्या? समस्याएं तो ये समझ लीजिए कि पानी की और गली आने जाने की समस्या। आने जाने में बहुत छोटी गली है, मतलब एक बंदा सामने से आ रहा हो तो दूसरा निकल भी ना पाए। और एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, आप लोग तो यहाँ पर रह रहे हो, आप लोगों के जो व्हीकल वगैरह होते हैं वो कहाँ पर रखते हो आप लोग? गायब हो जाते हैं। मतलब रखते कहाँ पर हो? वो सब जो होते हैं ना सब गायब हो जाते हैं। जब भी वोटिंग का टाइम आएगा तो यहाँ बरोबर सब दिखता है, सब साफ सुथरा दिखेगा। अच्छा, मतलब वोटिंग के टाइम सब आते हैं वोट मांगने के लिए, बाकी यहाँ पर सुविधा क्या है क्या नहीं है, लोगों की दिक्कतें क्या है वो कोई देखने नहीं आता? कोई देखने नहीं आता है बस। सब अपनी रोटी पका के खाने वाले हैं। नगर सेवक का बस 50 बार फोन किया। अच्छा, और यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर कौन है उसको 50 बार फोन करके बुलाया, कभी आता नहीं। अभी तो हल्का पानी आओ, थोड़ा टाइम का बाद में आप आओ। यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा पानी है, लोगों के पैर अंदर डूब रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल। वो देखो चाचा जी निकल रहे हैं, उनका बाद में आओ, पूरा भर जाएगा इतना। अच्छा, पूरा भर जाएगा, कोई ध्यान नहीं देता है, खाली वोटिंग का ध्यान देता है। वोटिंग के टाइम आते हैं, हाथ हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट दो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा, रहवासी का कुछ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ रहने वाला का। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं है, खाली जब वोट रहेगा तभी सबका वैल्यू दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लोग किस तरह से परेशान है, अपनी कंप्लेंट हमको बता रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं करवाई जाए, और बहुत ज़्यादा गंदगी है दोस्तों, मतलब बीमारियों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खतरा है। आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, एक भी जितनी भी पूरी धारावी हम विजिट कर रहे हैं वहाँ पर एक भी गली तो आपको सूखी दिखेगी भी नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी है ही नहीं, तो गली सूखी कहाँ से होगी? ये 2-3 किलोमीटर का एरिया है, 15 से 20 लाख लोग यहाँ पर कम से कम इस आबादी में रहते हैं। कोई यहाँ के हैं, कोई बाहर के हैं, 60% हिंदू है, 30% मुस्लिम है, कुछ 1% ईसाई, सिख ईसाई वाले, वो कुछ ऐसे लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग अलग अलग हैं और सब एक मेल भाव से रहते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। जी जी, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम मिलजुल करके भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। मतलब यहाँ पर आने से पहले हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत मतलब लूटपाट होती है, पर यहाँ पर हमने आके देखा यहाँ तो लूटपाट की, अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। बिल्कुल वही बात है, बहुत बढ़िया लगा हमें तो ये। आप अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार, हम अच्छे होंगे तो हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा होगा। हाँ, आप गलत बोलेंगे तो सामने वाला तो जाहिर सी बात है गलत क्या, आपको यहाँ से निकलने भी नहीं देगा, जाहिर सी बात है ना। वो तो बात है। चलिए सर, ठीक है, सब है यहाँ धर्मों के लोग है, सिख ईसाई मुस्लिम साउथ इंडियन और जो भी मद्रासी जैसे जो पूरा जाता है सब है। अच्छा, लेकिन सब एक भाईचारे के भाईचारे से एक साथ में ये रहते हैं, का खाना खाते हैं, खिलाते हैं सबको, ऐसे उनके जरूरतमंदों के काम भी आते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे का यहाँ जरूरतमंदों का काम भी। बहुत मुश्किल है दोस्तों, पाइप पे पैर रख के निकल रहा हूँ मैं। बहुत गंदगी है दोस्तों, बदबू भी बहुत आ रही है। अपन लोग यहाँ पर एक घंटा नहीं बिता सकते, लोग यहाँ पर पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, कई लोग तो यहाँ पर 30-35 सालों से रह रहे हैं। ये बाहर निकलेगी इधर, हेलो छोटू, ऊपर देख सकते हैं आप बिल्कुल तारों का झुंड है, बहुत रिस्की मामला भी है। अभी मैं दोस्तों यहां पर खड़ा हूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या रोशनी का क्या मामला है क्या नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है यहां पर, रात और दिन का कुछ पता भी नहीं चलता है कैसे लोग रहते होंगे, मेरे को तो ये सोच के भी। चलिए आगे चलते हैं, ये कुछ मेन गली लग रही है, ये काफी बड़ी गली है। ये आगे कितना तक जाता है, आगे कितना तक जाएगा गली? हाँ, ये
जाएगा ना यहाँ से, हमें तो गई उसकी बाजू बाजू और गली गई बहुत सारी है। ये रोड है, बाहर की तरफ जाना, इधर से निकल जाएंगे। हाँ, हम लोग तो दोस्तों यहाँ पर रहने की सोच भी नहीं सकते। चाचा जी नमस्ते, यही जाऊंगा। ये गली कहाँ तक जाएगा आगे? बाहर। बाहर? और ये पीछे वाला, ये जाएगा आगे से निकल सकते हैं? नहीं, आगे से नहीं निकल। अंदर जाएगा ये? ठीक है। बहुत छोटी छोटी गलियां हैं दोस्तों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पर आके गया, मतलब एक जैसी गलियां हैं सारी। ये तो घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, गोल गोल घूम रही है पूरी गली। दोस्तों अभी मैं धारावी घूम के वापस बाहर आ चुका हूँ, और आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ किसी अगली नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। आज की वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।